देखो इस बार फिर से हमने फोल्डेड कैनवास लिया, बेस लाइन बना देंगे, गले को माप लेंगे क्योंकि कॉलर हमें नेक में ही स्टिच करनी है। लेट्स मेजर द नेक लाइन, हाफ हाफ इंच अंदर से हम मेजर करेंगे, मेजर फ्रॉम हाफ इंच इन साइड। तो यहाँ से किस तरह से हमें मापना है, आई गॉट 9 इंच, मुझे 9 इंच मिल रहा है। देखो प्रॉपर 9 इंच आ गया, तो हम 9 इंच से ही कॉलर कट करेंगे। प्रॉपर यहाँ पे भी 9 इंच आ गया। अभी हम यहाँ से 0.75 इंच ऊपर मार्क करेंगे, सेम लाइक अवर चाइनीज कॉलर, 0.75 इंचेस अपसाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। मार्क द शेप, फाइन शेप। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.25 पे मार्क करना है एल शेप, 90 डिग्री एंगल, 1.25। इसके बाद हम यहाँ से अंदर जाएंगे हाफ इंच, हाफ टू 0.75। उसके बाद यहाँ से हम हल्का सा क्रॉस में जाते हुए 2.25 पे मार्क करेंगे, ये है 1.25, इट्स अ 0.5 इंचेस यहाँ से अंदर। क्लियर? नाउ 2.5 फ्रॉम दिस पॉइंट, 2.5 इंच हमें यहाँ से ऊपर जाना है। सब साइज में इसी साइज का कॉलर बनाना है, बस किड्स में हमें छोटी कॉलर बनानी होगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक स्मूथ शेप में लाइन खींच देंगे। सो ये जो शर्ट कॉलर हमने सीखी वो एक ही पार्ट में है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा एक ही पार्ट है। टू पार्ट्स की शर्ट कॉलर होती है, जिसमें एक नीचे चाइनीज कॉलर अलग से होता है, प्लस ऊपर अलग से कॉलर होती है। ये टू पार्ट्स में होता है, बट अभी हम एक ही पार्ट का सीख रहे हैं क्योंकि दोनों का लुक सेम आता है और लेडीज में यही वाली कॉलर भी चल जाती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से आप 90 डिग्री एंगल ऊपर मार्क करें। फर्स्ट स्टेप मार्क बेस लाइन, मार्क नेक साइज 0.75 अप, 1.25 90 डिग्री एंगल, स्मूथ शेप, 0.5 इंचेस इन साइड, 2.25 अप साइड। अब ये आपके कॉलर पे डिपेंड होगा कि आपकी कॉलर आपको कितनी चौड़ी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको शर्ट कॉलर की ड्राइंग करके बताऊंगी। तो देख सकते हो ये शर्ट कॉलर आपको दिख रही है, इसके अंदर ये आपको कितना चाहिए लॉन्ग, ये इस पे डिपेंड करता है। ये आपको कितना लॉन्ग चाहिए इस पे डिपेंड करता है। ये अगर मान लो आप कोई शर्ट कॉलर देख रहे हो, ये कितना लंबा चाहिए उस पे डिपेंड करता है। देखो ये वाला पार्ट हमारा ये है, तो अगर मान लो कोई शर्ट कॉलर आपको इस टाइप से बहुत लॉन्ग चाहिए फैंसी, तो आपको ये पार्ट लंबा लेना होगा। सो क्लियर? ये हम 2 इंचेस भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। अभी हम 2.25 स्टैंडर्ड ले रहे हैं जो रेगुलर चलता है। तो इस तरह से ये शर्ट कॉलर की मार्किंग है। आप सबको कैसा लगा शर्ट कॉलर की मार्किंग, इजी? चलो अब इसको चिपका लिया जाए। अब देखो नीचे से हमें 1/2 इंच इसको डबल करके ही कट करते हैं।
डबल, ऊपर से एज इट इज काटेंगे। यहाँ से हल्का सा सीम अलाउंस ले लेते हैं। सिर्फ देखो मैं खड़े में ले रही हूँ, आड़े में सीम अलाउंस नहीं ले रही। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ सीम अलाउंस लिया है। रेडी, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग। इसको भी फोल्ड कर लेते हैं, कैनवास वाले पार्ट को। फिर पहले हम इसको फिनिश करेंगे, देखो राइट एंड राइट फेसिंग टुगेदर, कैनवास वाला पार्ट ऊपर। अभी हमें स्टिच कहाँ से मारनी स्टार्ट करनी है, यहाँ से हम स्टिच मारनी स्टार्ट करेंगे। मतलब सिर्फ नीचे का भाग ओपन रखना है। दोनों साइड का चेक कर लेंगे कि सेम है नहीं। परफेक्ट, एक और स्टिच कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला फैब्रिक साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कट लगाएंगे, डीप कट। देख लेना है कि नीचे वाला फैब्रिक कट टू कट आना चाहिए। अब हम इसको पलटेंगे, तो ये कॉर्नर निकालना है हमें। ये पॉइंट निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें हम धागा डाल के भी कर सकते हैं। इसको ऐसे कट लगा देंगे पहले, फिर पॉइंट निकल जाएगा। ज़्यादा पॉइंटेड नहीं बनाना, जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा गैप है बीच में। एक बार आयरन करेंगे और नीचे मार्किंग करेंगे सब कॉलर में की वैसे, फिर अटैच करेंगे। एक बार ऐसे फोल्ड करके देख लेते दोनों साइड का सेम है नहीं। मेक श्योर बोथ साइड इज सेम। इधर हल्का सा स्टिच मारने की जरूरत है अंदर। अब मार्क कर लेते हैं। प्लस सेंटर पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट काट देंगे। सेम शर्ट बॉडी पार्ट में भी। इसमें भी सेंटर लगा दिया। अब देखो इस बार क्या होगा, हर कॉलर में ऊपर वाला पार्ट ही ऊपर दिख रहा था। इस बार जो हमारा कॉलर में अंदर वाला पार्ट होगा वो ऊपर दिखेगा। द इन साइड पार्ट विल गोज आउट साइड, अंदर वाला पार्ट बाहर जाएगा। तो अंदर हम कैनवास वाला रखेंगे, इन साइड कैनवास पार्ट, अंदर वाला पार्ट हमारा बाहर आएगा। क्लियर, द इनसाइड पार्ट विल बी गोज आउटसाइड लाइक दिस, अंदर वाला पार्ट बाहर दिखने वाला है। तो अभी हम राइट साइड पे कॉलर अटैच करेंगे। फर्स्ट आपको चेक कर लेना है कि सेंटर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। परफेक्ट मैच, लगाना स्टार्ट करते हैं।
सीम अलावेंस बैक साइड में जाने देंगे। खींचना नहीं है और स्टिचिंग उसी लाइन पे कर रहे हैं जहाँ हमारा सीम अलावेंस है, मार्किंग है। जूम करो ना, देखो यहाँ पे हम एंड किस तरह से स्टिच कर रहे हैं। देखो एंडिंग पॉइंट में मैं कहाँ सिलाई कर रही हूँ, जहाँ हमारा ये कैनवास वाला पार्ट है। अब ये पूरा पार्ट अंदर चले जाएगा और इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। एकदम कट टू कट अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच करेंगे। देखो अभी इधर छोटे से पिन चाहिए तो इसको थोड़ा काट के सही करेंगे। कंप्लीट।